ये जो कुरुक्षेत्र है ये धर्म क्षेत्र है। क्यों धर्म क्षेत्र है? क्योंकि यहाँ पर एक कुरु नाम के राजा हुए थे। ओके, ये जो क्षेत्र है कुरुक्षेत्र नाम से कैसे हुआ, एक राजा हुए थे कुरु नाम के, जिन्होंने कि अपनी पर्सनल बॉडी का सेक्रीफाइस करके भगवान को खुश किया था, और भगवान को खुश करके उन्होंने बीज प्राप्त किया था धर्म का कि जो भी धार्मिक कार्य जगह पे होंगे सफल होंगे। और क्योंकि धर्म है पांडवों की साइड में, तो इसीलिए घबराहट है धृतराष्ट्र के अंदर कि मेरे बच्चे क्योंकि अधर्म की साइड में है और जो पांडव है वो धर्म की साइड में है, तो इसलिए जीत जो है वो धर्म वालों की होगी, मेरे बच्चों का क्या होगा, तो इसलिए वो यहां घबरा रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र इसलिए बोला गया, रीजन बीइंग वहां पर जो भी कार्य होगा सफल होगा। इवन वहां पर देवी देवता भी आया करते थे और यज्ञ करते थे कि उनको पता है कि यहां पर यज्ञ करेंगे ना सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो इसीलिए धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, सिर्फ कुरुक्षेत्र नहीं साथ में उसके साथ एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता क्या है, उसका स्पेशलाइजेशन क्या है, उसको भी हाईलाइट किया गया यहाँ पर। हाँ, और यहाँ पर साथ ही धृतराष्ट्र, ही इज ऑल्सो शोइंग वन वेरी बैड क्वालिटी, और वो वेरी बैड क्वालिटी है कि माम का मतलब मेरे बच्चों का पांडवाश्य यानी पांडु के पुत्रों का, भाई हार्डली सबके सब ये कुरुवंश के हैं, तो ये पूछना चाहिए भाई ओके युद्ध भूमि पर क्या हुआ, ये पूछना चाहिए। सीन की धृतराष्ट्र है एक इम्पार्शियल लीडर है, तो बात समझ में आती है। लेकिन यहां पर माम कहा ये बोल दिया साथ में पांडवाश्य, वो अलग है मैं अलग हूं, गलत है। अगर एक राजा कोई व्यक्ति बनता है तो राजा को चाहिए कि राजा शुड बी इम्पार्शियल, पार्शियलिटी ना करे। तो यहां पर एक बैड लीडर का एग्जांपल भी प्रदर्शित हो रहा है धृतराष्ट्र के।